हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, रेशियो क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, सपोज करो कि क्लास में 50 बच्चे हैं और एक टीचर है। 50 बच्चे और एक टीचर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 50 बच्चों के पीछे एक टीचर है। बस इसी बात को मैंने इन टर्म्स ऑफ रेशियो लिख दिया। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये दो तरीकों से लिख सकते हैं कि एक टीचर 50 बच्चों को संभाल रही है, दैट इज 50/1, या फिर 50 बच्चों के पीछे एक टीचर है तो बताओ एक बच्चे के पीछे कितनी टीचर, ये भी एक रेशियो है। समझ गए, ये दोनों रेशियो है, लेकिन एक है इन टर्म्स ऑफ टीचर्स और एक रेशियो है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो यही रेशियो है। समझ गए बच्चों, एक रेशियो और होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया एक साल में और कितना इंपोर्ट किया। सपोज करो हमने 100 रुपए का एक्सपोर्ट किया और 50 रुपए का इंपोर्ट किया। एक्सपोर्ट माने माल अपने देश से बाहर भेजना, इंपोर्ट माने दूसरे देशों का माल अपने देश में मंगाना। तो हमने 100 रुपए का एक्सपोर्ट किया, मतलब अपने देश के बाहर हमने 100 रुपए का माल भेजा और 50 रुपए का दूसरे देशों से खरीदा। इसका मतलब नेट अगर हमारी सेल देखी जाए तो हमने 50 रुपए बाहर के देशों से कमाए, हमने बाहर के देशों से 50 रुपए कमाए। लेकिन अब इसको रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, इसको रेशियो में हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट के 2 गुना है, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट के 2 टाइम्स है, या फिर हमारा जो इंपोर्ट है, हमारा जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट के हाफ है, हमारा जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट के हाफ है। ठीक है, तो ये दो तरीके के छोटे छोटे एग्जाम्पल थे जिससे मैं आपको ये समझाया कि रेशियो क्या होता है एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन अभी बताऊंगा, रेशियो क्या होता है ये समझ में आ गया। अच्छा, जो रेशियो होता है ना, इट इज बिटवीन 2 कैटेगरी, ये याद रखना। रेशियो क्या होता है, इट इज बिटवीन 2 कैटेगरी एंड रेशियो इज एन एक्सप्रेशन। रेशियो क्या है, एक्सप्रेशन है एक। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में डिफरेंस क्या होता है। सपोज करो कि क्लास में 120 बच्चे हैं, 120 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। ओके, 120 स्टूडेंट में से 70 बॉयज है, 50 गर्ल्स है। अच्छा, रेशियो क्या चीज का निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे बॉयज और गर्ल्स का। ठीक है, तो बॉय और गर्ल का रेशियो कितना हुआ, 7:5, और गर्ल और बॉय का रेशियो कितना हुआ, 5:7। लेकिन प्रोपोर्शन क्या होता है, व्हाट इज प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन होता है बॉय वर्सेस टोटल स्ट्रेंथ। मतलब क्या हुआ, समझ में आया कि बॉय को हम लोग टोटल स्ट्रेंथ से करेंगे, मतलब 70/120, या फिर गर्ल को हम लोग बॉय से करेंगे, नहीं गर्ल को टोटल से करेंगे, यही प्रोपोर्शन है। अगर गर्ल को बॉय से कर दिया तो रेशियो हो गया, लेकिन बॉय को जब टोटल से और गर्ल को जब टोटल से करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जो होता है वो बड़ी कैटेगरी में होता है, टू द टोटल होता है, लेकिन रेशियो जो होता है इट इज अमोंग द 2 कैटेगरीज। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 7 in every 12 स्टूडेंट इज अ बॉय, 7 in every 12 स्टूडेंट इज अ बॉय। हर 7वें, मतलब ये देखो कि अगर 12 बच्चों को अगर हम पकड़ते हैं, देखो मैं आपको एक बताता हूं, ये 120 बच्चे हैं। ठीक है, ये जो है ये 120 बच्चे हैं, अगर इसमें से आप 12 बच्चों को उठाएंगे, अगर इस 120 में से आप 12 बच्चे उठाएंगे तो 12 में से 7 आपको बॉयज मिलेंगे एज पर द
प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे रेशूज है उसमें कितनी वेराइटीज है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दो तरह के रेशू बताऊंगा जो बहुत इजी होते हैं। दो तरह कौन कौन से? एक होता है इनवर्स रेशू। कौन सा रेशू? इनवर्स रेशू। ओके, नाम से ही समझ में आ रहा है, इनवर्स माने उल्टा करना, मतलब 3:2 था इसको 2:3 बना देना, यही इनवर्स रेशू है। मतलब 3/2 को 2/3 कर देना, दिस इज कॉल्ड इनवर्स रेशू। ठीक है, अच्छा कंपाउंड रेशू क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है क्या कंपाउंड रेशू? कोई बता सकता है कंपाउंड रेशू क्या है? देखो दो रेशू है, ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी। कंपाउंड रेशू कोई तो बताओ क्या है, एनीवन? देखो बच्चों, जब इक्वेशन ऐसा होता है, व्हेन ए बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी, ये कैसे पॉसिबल है? मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, फिर मैं आपको कंपाउंड रेशू पे लेके चलूंगा। देखो 2/5 इज इक्वल्स टू 4/10, ये दोनों रेशू सेम है, हम लोग इसको कट करके 2/5 लिख सकते हैं। ये याद रखना कि रेशू को अगर हम स्मॉलेस्ट टर्म में तोड़ते हैं, अगर हम रेशू को स्मॉलेस्ट टर्म में तोड़ते हैं और उसके बाद अगर वो इक्वल आते हैं तब फिर वो दोनों रेशू सेम है। अच्छा अगर रेशू 1:1 है, या फिर 1:2 है, या फिर 2:1 है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेशू ऑफ इक्वालिटी। दिस इज द रेशू ऑफ इक्वालिटी। अच्छा ये दोनों इक्वल नहीं है, बराबर तो नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे? ये वाला जो है ये क्या हो गया 1/2 विच इज लेस देन 1, तो क्या बोलेंगे? लेस इनइक्वालिटी। क्या बोलेंगे? लेस इनइक्वालिटी। और ये क्या है 2/1 इट इज ग्रेटर देन 1, इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर इनइक्वालिटी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कंपाउंड रेशू की तरफ। ये दोनों चीजें कंपाउंड रेशू से पहले जाननी जरूरी थी। चलो कोई बता सकता है कंपाउंड रेशू क्या होता है? दो रेशू है, फर्स्ट रेशू इज दिस एंड सेकंड रेशू इज दिस, तो इनका कंपाउंड रेशू निकालना है। कंपाउंड माने इन शॉर्ट टर्म बता देता हूं, 2/3 × 4/5, मतलब 8/15 जो आया है ये मेरा कंपाउंड रेशू है। वेरी सिंपल, बस सर दोनों इक्वेशन को मिला दो कंपाउंड रेशू आ जाएगा। देखो क्या हुआ, 2:3 4:5 था, इसको क्या बोलते हैं? ए बी सी डी, याद रखना ए बी सी डी। ठीक है, ये देखो बच्चों, ए को बोलते हैं एंटीसीडेंट और बी को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ये भी एंटीसीडेंट और ये भी कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ये चीजें याद रखना हमेशा कि इनको बोलते क्या है। ठीक है, चलो अब बताता हूं कंपाउंड रेशू के टर्म्स में। ये देखो 2, 3, 4, 5 ए बी सी डी, ये आपस में रेशू है और ये आपस में रेशू है। इस रेशू को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इस टू। क्या बोलते हैं? इस टू। 2:3 4:5 a:b c:d। अच्छा जो इस टू वाला है, मतलब a:b, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a बाय बी, और c/d को हम लोग लिख सकते हैं c:d को c/d, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ac, क्या आएगा? ac/bd। तो ये क्या बन गया? ac:bd, यही कंपाउंड रेशू है। समझ गया? दो तरह के रेशू पढ़ाए मैंने, इनवर्स एंड कंपाउंड। इनवर्स में क्या था?
इनवर्स में ए बाय बी को हम लोग बदल देते हैं क्या चीज में? बोलो बच्चों क्या चीज में बदल देते हैं? किसी को याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? इसको बदल देते हैं b बाय a में। और कंपाउंड रेशो क्या है? कंपाउंड रेशो दो रेशो है, ए बी और सी डी, दोनों को मल्टीप्लाई करके ए सी बाय बी डी लिख देते हैं, या फिर ए सी इज टू बी डी। समझ गए यहां क्या था? ठीक है, देखो a इज टू बी को हमने क्या बना दिया, b इज टू a, और यहां पर a इज टू b एंड c इज टू d को हमने बना दिया ए सी इज टू बी डी, ए सी इज टू बी डी। ठीक है, तो ये इनवर्स एंड कंपाउंड है। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए। अच्छा बच्चों देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है a इज टू b इज इक्वल्स टू 4 इज टू 5, b इज टू c इज इक्वल्स टू 6 इज टू 7। निकालना क्या है? a इज टू c, ये हमको निकाल के देना है। चलो तो सबसे पहले a इज टू b इसको पकड़ते हैं, a इज टू b को क्या लिख सकते हैं, a बाय b इक्वल्स टू 4 बाय 5। अच्छा b इज टू c को क्या लिख सकते हैं, 6 बाय 7। ये यहां तक फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया? आ गया, तो अब मल्टीप्लाई कर दो a बाय b इंटू बी बाय सी, देखो क्या बनना, 4 बाय 5 इंटू 6 बाय 7। चलो अब देखो यहां से b b कट गया, क्या बचा, a बाय c इज इक्वल्स टू 24 बाय 35। इसका मतलब a इज टू c इज इक्वल्स टू 24 इज टू 35 आंसर। बताओ इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना। चलो समझ में आया, तो फिर से दिखा देता हूं, a इज टू b गिवन था, b इज टू c गिवन था, इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख लिया। लिखने के बाद हमने क्या देखा कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो b है वो कट जाएगा, b कट गया, बचा क्या, a और c, तो a बाय c इज इक्वल्स टू 24 बाय 35। देखो मांगा भी a इज टू c था, तो a बाय c को हम लोग a इज टू c लिख सकते हैं, तो हमारा 24 रेशो 35 हो गया आंसर। चलो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड बोला है a इज टू b इज इक्वल्स टू 3 इज टू 7, और बोला है b इज टू c इज इक्वल्स टू 8 इज टू 5, और निकालना क्या है, a इज टू c। देखो वापस से a इज टू b को क्या लिख सकते हैं, a बाय b इज इक्वल्स टू 3 बाय 7, b इज टू c को क्या लिख सकते हैं, b बाय c इज इक्वल्स टू 8 बाय 5। चलो मल्टीप्लाई कर दो, a बाय b इंटू b बाय c इक्वल्स टू a इज टू c, यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 बाय 7 इंटू 8 बाय 5 इज इक्वल्स टू 24 रेशो 35। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आई? तरीका वही है, प्रोसेस एक बार समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो फिर किसी भी तरह के सवाल आप बना लोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन देता हूं। अगर x रेशो y आपको गिवन है 2 रेशो 3, तो बताओ बच्चों 4x माइनस y रेशो 2x प्लस 3y क्या होगा, इसका आंसर हमें निकालना है।
हमें x रेशो y पता है, मतलब x बाय y हमें पता है। x बाय y क्या है? 2/3। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बोला था? देखो, बोला था 4x माइनस वाई इज टू 2x प्लस 3y। इसको कैसे लिख सकते हैं? रेशियो है तो 4x माइनस वाई डिवाइड बाय 2x प्लस 3y। और शुरू में मैंने दिखाया था कि x बाय वाई जो है वो है 2/3। तो अब हमें इस इक्वेशन को किसी भी तरीके से x बाय वाई के फॉर्मेट में लाना है। तो वो कैसे पॉसिबल है? देखो, अगर हम इस इक्वेशन में सब चीजों को डिवाइड कर देते हैं x बाय वाई से, तो देखो क्या होगा, 4x इंटू, अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं x बाय वाई से, माइनस y इंटू x बाय वाई, 2x इंटू x बाय वाई, माइनस 3y इंटू x बाय वाई। सारी इक्वेशन को अगर हम x बाय वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बताओ। इसी चीज के लिए मैं आपको एक चीज छोटी सी बता देता हूं। 2/3, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, 4/6। क्या 2/3 इज इक्वल्स टू 4/6? मतलब अगर हम रेशियो में सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो यहां समझ में आ गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि अगर x बाय वाई मल्टीप्लाई किया है मैंने तो उससे मेरे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन सॉल्व इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या हो रहा है। एक्स बाय वाई की हमें वैल्यू पता है, यहां से वाई वाई कट दो, यहां से वाई वाई कट दो, एक्स बाय वाई की हमें वैल्यू पता है। एक्स बाय वाई कितना है? 2/3। चलो तो देखो क्या लिखेंगे, 4x इंटू 2/3 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2x इंटू 2/3 माइनस 3x। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, सिमरन बोल रही है कि यहां से एक और इजी तरीका है। चलो तो सिमरन का तरीका जानते हैं कि सिमरन क्या बोलना चाहती है। सिमरन बोली, सर x बाय वाई से मल्टीप्लाई करने के बजाय अब सिर्फ 1/y से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पूरे इक्वेशन को y से डिवाइड कर दो। चलो एक बार वापस से देखते हैं। 4x माइनस वाई था, क्या था? 4x माइनस वाई डिवाइड बाय 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। पूरे इक्वेशन को y से डिवाइड कर देते हैं, मींस 4x बाय वाई माइनस 1, 2x बाय वाई प्लस 3। चलो ये तो और भी आसान हो गया, x की वैल्यू हमें पता है 2/3 है, तो पुट कर दो, क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2/3 माइनस 1, 2 इंटू 2/3 प्लस 3, कितना हो जाएगा? 8/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस 3। तो कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ? 8 माइनस 3 बाय 3 एंड 4 प्लस 3 बाय 3। समझ गए? तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? 5/3, और नीचे में कितना आ जाएगा बोलो? 13/3। तो 3/3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 5/13, दैट इज 5:13। ये हमारा आंसर है, ये इजी हो गया। चलो वो अपने तरीके पे आ जाते हैं, वो देखते हैं वो कहां तक जा रहा था। ये देखो, अब मैं इसमें से अपना क्रॉस हटाता हूं। ये देखो, ये ऊपर में कितना हो रहा है? 8x/3 माइनस x डिवाइडेड बाय 4x/3 प्लस 3x, कितना आ रहा है बताओ? ऊपर में आ रहा है
5x बाय 3, नीचे में कितना आ रहा है 13x बाय 3, 3 कट गया, x कट गया, क्या बच रहा है, बच रहा है 5 बाय 13, समझ गए। बस हाँ, अगर हम इसमें y से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक स्टेप कम करना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों, अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको करने का तरीका आता है तो कैसे भी करो आंसर आपका वही आएगा। और मकसद हमारा आंसर लाना नहीं होता है, मकसद हमारा होता है समझना कि वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि या तो हम x बाय वाई से मल्टीप्लाई कर दे या फिर केवल 1 बाय वाई से मल्टीप्लाई कर दे, बात दोनों में बराबर है, ठीक है। तो एक चीज ये समझ गए, जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसमें कोई ना कोई एक छोटी सी एडजस्टमेंट करके अपने इक्वेशन को इजी बनाएंगे, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है x रेशु y जो है वो 7:4 है और 5x माइनस 6y रेशु 3x प्लस 11y, 3x प्लस 11y की वैल्यू दी हुई है हमें 11:65। ये इक्वेशन गिवन है और बोला है शो दैट दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू 11:65। चलो तो हम अपने तरीके पे आ जाते हैं, क्या है 5x माइनस 6y डिवाइडेड बाय 3x प्लस 11y। सर अब तो हमें पता है कि इसमें y से डिवाइड करना है, इक्वेशन देखते ही समझ में आ गए। चलो तो y से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5xy माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3xy प्लस 11। अब xy की वैल्यू क्या है 7/4, तो 5 × 7/4 माइनस 6 और नीचे में क्या आ जाएगा 3 × 7/4 प्लस 11। तो अभी इक्वेशन क्या हो रहा है बताओ, 35/4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 21/4 प्लस 11, ये हमारी इक्वेशन हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 − 24/4 एंड 21 + 44/4 कितना हो रहा है बताओ, ऊपर में आ रहा है 11 और नीचे में आ रहा है 65। चलो देखते हैं क्या यही मांगा था क्या, आ गया ना 11:65, क्या आया 11:65, क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। वो बोल रहा है कि x रेशु y आपको गिवन है और बोल रहा है कि आप इसमें क्या ऐड करो कि ये p रेशु q बन जाए, मतलब x और y में आप ऐसा क्या जोड़ो कि p रेशु q बन जाए। सपोज लेट द टर्म बी, क्या ले, लेट द टर्म बी k, तो क्या करें, देखो x बाय वाई दोनों में k और k ऐड कर दो और ये क्या बन गया अब p बाय क्यू। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, q x प्लस k इज इक्वल्स टू p y प्लस k, ठीक है। चलो अब देखो क्या समझ में आ रहा है, आगे आगे पूरा ओपन कर दे इसको, qx प्लस qk इज इक्वल्स टू py प्लस pk। चलो kk के टर्म्स को एक तरफ लेके चले जाते हैं, qx माइनस py इज इक्वल्स टू pk माइनस qk। अब इसमें से k को कॉमन ले लेते हैं, qx माइनस py इज इक्वल्स टू k कॉमन आ गया p माइनस q, qx माइनस py होल डिवाइड बाय पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू के, मतलब ये वाला टर्म जब हम एक्स बाय वाई में ऐड करेंगे तो क्या आएगा,
क्या आएगा? P by Q, समझे? जब ये वाला टर्म हम x by y दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी इसी को ऐड करेंगे तब क्या आएगा? P by Q, यही हमारे इक्वेशन का मतलब है। समझ गए? करके दिखाऊं क्या? चलो करके ही दिखा देते हैं। x में क्या जोड़ना है? टर्म। और y में क्या जोड़ना है? एक टर्म। चलो तो x में क्या जोड़ना था? qx माइनस py डिवाइड बाय p माइनस q। चलो और होल डिवाइड बाय y में भी यही जोड़ना है, qx माइनस py डिवाइड बाय p माइनस q। चलो अब इसका एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का क्या हो जाएगा? xp माइनस xq प्लस qx माइनस py होल डिवाइड बाय p माइनस q, ये ऊपर वाला टर्म हो गया। इसी तरह नीचे वाले टर्म को भी सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा? py माइनस qy प्लस qx माइनस py होल डिवाइड बाय p माइनस q। अच्छा देखो इसमें ऊपर वाले में कुछ कट रहा है क्या? qx कट गया, qx कट गया। अच्छा और ऊपर वाले इक्वेशन में p कॉमन है, क्या कॉमन है? p कॉमन है। नीचे वाले इक्वेशन में देखो ये दोनों कट गया और p कॉमन है, p कॉमन निकल गया। तो ऊपर वाली इक्वेशन से हम लोगों ने ये इक्वेशन बनाई है। इस इक्वेशन में से देखो p by q और p by q कट गया, क्या बचा? xp माइनस py डिवाइडेड बाय qx माइनस qy, ऊपर से p कॉमन ले लो क्या बचा? x माइनस y, नीचे से q कॉमन ले लो क्या बचा? x माइनस y, x माइनस y, x माइनस y कट गया, क्या बचा? q by y। समझ में आ गया कि अगर इस इक्वेशन में अगर हम लोग ये डाल देंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो p by q आएगा, ठीक है?